नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर तस्वीर सामने आई है। प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित यश नर्सिंग होम की है, जहां झांसी जनपद के गुड़सराय की रहने वाली प्रियंका 26 वर्षीय की शादी एक साल पहले उरई कोतवाली के सुशील नगर के रहने वाले पीजीआई लखनऊ में तैनात स्वास्थ्य कर्मी शिवम राठौर से हुई। देर रात को प्रियंका को प्रसव पीड़ा के चलते परिवार के लोग कालपी रोड स्थित एक निजी मेडिकल नर्सिंग होम में लेकर गए, जहां कुछ देर के बाद ही प्रियंका की प्रसव के दौरान ज्यादा खून बह जाने से मौत हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी परिजनों को हुई, उन्होंने हंगामा किया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच करते हुए पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मामा उपदेश राठौर ने नर्सिंग होम के स्टाफ पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और कहा कि नर्सिंग होम स्टाफ की वजह से ही प्रियंका की मौत हुई। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले की लेपापोती में जुटा हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद स्वास्थ्य महकमा बेखबर बना है। सीएमओ जालौन एनडी शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, मीडिया के माध्यम से घटना का पता चला है। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में एक प्रसव के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है सर, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर और स्टाफ पर। सर, क्या पूरा मामला है? ये घटना आज मैंने पेपर में पढ़ी है कि कोई प्रसूता प्रियंका जिसकी मौत हुई है यस हॉस्पिटल में, इसमें इसी पेपर की खबर का संज्ञान लेते हुए हम प्रथम दृष्टया जांच कराएंगे और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई या प्रसूता की जो मौत हुई उसमें किसी की लापरवाही या किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, मिली जानकारी के अनुसार यस हॉस्पिटल का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण भी नहीं है। पंजीकरण मैंने देखा है, इसने जो है 6 अक्टूबर 2022 को इसका पंजीकरण यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर इरफान खान कुछ ऐसी नाम है जिनके नाम से पंजीकृत है और उसमें डॉक्टर ब्रजेश कुमार जनरल सर्जन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो मैंने अभी देखी पत्र। सर, जनपद जालौन में ऐसे कितने हॉस्पिटल और अस्पताल हैं जिनका पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग में है और कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें नहीं है? एकदम पूरी संख्या देखो, पंजीकृत की संख्या तो मैं इस समय नहीं बता पाऊँगा, पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा और गैर पंजीकृत वाला तो हमारे संज्ञान में है। सर, जो गैर पंजीकृत संख्या के हॉस्पिटल चालू हैं, संचालक चालू रखे हुए हैं, उन पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी? गैर पंजीकृत का तो शिकायत आएगी तो सीधे सीधे उस पर कानूनी धाराओं के अनुसार कार्रवाई होगी। गैर पंजीकृत तो चलने का कोई भय नहीं है, कोई चला रहा है गैर पंजीकरण के अस्पताल तो उसका तो जैसे ही संज्ञान में आएगा सख्त कार्रवाई होगी कानूनी धाराओं के अनुरूप। ठीक है, पंजीकृत में कोई अनियमितता होती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? भरत राठौर नाम है, गुड़सराय से। क्या घटना हुई है जो यहाँ पोस्टमार्टम करवाने? हाँ, यहाँ पे हमने डिलीवरी करवाई थी यस हॉस्पिटल में। किसकी? अपनी, हमारी सिस्टर है वो। अच्छा, छोटी सिस्टर है। तो हमने स्वयं नहीं कराई थी, हम चूँकि गुड़सराय के हैं, यहाँ पे जो ब्याई हुई है यहाँ पे हमारे जीजा जी उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी करवाई थी। डिलीवरी यहाँ पे उन्होंने तो कर दी, बच्ची ठीक है, लेकिन जो हमारी बहन है सिस्टर उसको बहुत ज़्यादा समस्या रही, ब्लड की वो चलता रहा उनका, तो ब्लड यहाँ पे जो लोग रोक नहीं पाए। किस कैसा ऑपरेशन किया है इन लोगों ने जो सक्सेस नहीं रहा, यहाँ वे लोग दो तीन घंटे चार घंटे यहाँ पे वो ट्राई करते रहे ब्लड रोकने का, संभाल नहीं पाए ऑपरेशन में। जो भी उन्होंने मिस्टेक की हो या बच्चादानी फट गई थी उनकी या जो भी कुछ हो गया हुआ वो तो अपन को अभी पोस्टमार्टम में मालूम पड़ जाएगा। यहाँ से उन्होंने ये अस्पताल की पूर्ण रूप से गलती रही है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किया ना तो उनके पास ब्लड की व्यवस्था थी यहाँ पे, ना कुछ था, ना कुछ मंगाया उन्होंने, सीधा सीधा ऑपरेशन कर दिया और फिर जब संभाल नहीं पाए, ब्लड इतना बच्ची के शरीर से निकल गया और फिर इन्होंने झांसी रेफर किया, तो रास्ते में भी कुछ व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस में। कौन सा हॉस्पिटल था? माँ पीताम्बरा हॉस्पिटल था झांसी उन्होंने रेफर किया। यहाँ पे एस हॉस्पिटल है ना, यही सामने डॉक्टर की हमें जानकारी नहीं है किसने किया, फिर यहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया झांसी के लिए। तो बीच में जो 3-4 घंटे का जो समय रहा वो बच्ची का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था शरीर से। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ एकदम से पेशेंट को पकड़ा उन्होंने, इतने तरीके से हम लोगों को डरा दिया कि सीधा ऑक्सीजन और उसमें वेंटिलेटर में रख दिया बच्ची को। और जब हम लोग उस हॉस्पिटल में गए, यहाँ से उन्होंने एक कंपाउंडर और एक कोई नर्स वगैरह भी भेजी रखी थी साथ में एम्बुलेंस भेजी और साथ में दो लोगों को भी भेजा कि आपको इस माँ पीताम्बरा में लेके जाना है इसको। तो वहाँ हम लोग लेके गए तो सारे दिन हम लोग ब्लड चढ़वाते रहे
तो जो मैनेजर थी उस पर हम लोग पहुँच नहीं पाए। क्या चाहते हैं आप, क्या क्या? पैसा हमारा पूरा बर्बाद हो गया और हमारी बहन भी हाथ से चली गई। हमें कुछ हाथ से लगाई करीब 1.25 लाख के समथिंग, 5 घंटे में पूरा क्रॉस कर दिया उन्होंने। 1.25 लाख रुपए के समथिंग, 1.5 लाख के भी कोई हिसाब किताब तो है नहीं। हम लोग सारे रिश्तेदार थे, जिसके जो हाथ में आया लेते गया, लेकिन 1.25 लाख लगभग खर्च हो गया। ना तो पैसा बचा, पैसे की कोई बात नहीं लग जाते, लेकिन हमारी बच्ची बहन हमारी सुरक्षित हो जाती तो आज हमें कुछ दुख ना होता इस चीज़ का। डॉक्टर पे क्लेम करने का? हाँ, अब हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसमें समझ में आएगा क्या यहाँ से चूक रही है, कितनी केस रही है, फिर हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हॉस्पिटल पे कार्रवाई करेंगे, एस हॉस्पिटल पे करेंगे। और जहाँ इन्होंने रेफर किया है वो सबसे बेकार हॉस्पिटल था। अगर यहाँ जी नहीं संभाल पाए थे तो किसी अच्छी अच्छी हॉस्पिटल में रेफर कर दे, जहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर हो गए, मतलब जो संभाल लेते उस केस को, संभाल ली पाए। वहाँ पे डॉक्टर था ही नहीं जो हॉस्पिटल में इन्होंने रेफर किया। बाहर के डॉक्टर बुला के दिखवाया 1-2 मिनट के लिए, वो देख के चलेगा, बाकी सब कंपाउंडर वगैरह लगे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था हमें।